सभी भक्तगणों को विषय सूचना। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में कल शाम 5 बजे नारंगजी मंदिर से बसंत की बड़ी सवारी निकाली जाएगी। कई सालों से लंबित पड़ी फूल मंडी आज पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में विधिवत रूप से शुरू हो गई है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस दौरान आज फूल मंडी में कई किसान एकत्रित भी हुए और एक दूसरे को बधाई भी दी। फूल मंडी के अध्यक्ष हनुमान सिंगोदिया ने बताया कि पुष्कर में फूल मंडी शुरू होने से किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी और उनको अजमेर नहीं जाना पड़ेगा। उनके फूलों का मोल भाव पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में ही हो जाएगा। इस दौरान पुष्कर एवं पुष्कर के आसपास के गांवों के कई किसान मौजूद थे और सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ये फूल मंडी शुरू होने पर बधाई दी। आप भी अगर अपनी कोई खबर देना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करें, हम आपकी खबर YouTube पर लगाएंगे और पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आज विधिवत रूप से फूल मंडी का उद्घाटन किया गया। सुचारू रूप से मंडी आज चली दिन भर। इसमें गेंदी, गुलाब, गेंदा, लाल गुलाब, देसी गुलाब सब ये सबका व्यापार अच्छी तरह से हुआ। यहाँ गुलाब 50 रुपये किलो से लेकर 65 रुपये किलो तक गुलाब बिकी। आज देसी गुलाब, लाल गुलाब 18 से 22 रुपये किलो तक बिकी है। इसका उद्देश्य क्या है ये बताओ? किसानों को फायदा है। अजमेर मंडी में जाएगा तो किसानों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अजमेर में जाएगा तो ट्रैफिक का लफड़ा, उसके बाद मंडी वहाँ 10% आड़त करती है या किसान की आड़त नहीं कटेगी, किसान की मंडी शुल्क नहीं लगेगा, किसान की सारी सुविधा देके ये मंडी चालू करेगी। आपका नाम और पता? हनुमान प्रसाद सिंगोदिया, फूल मंडी अध्यक्ष। उसका सभी भक्तगणों को विशेष सूचना। श्री रमा वैकुंठ मंदिर की ओर से कल शाम 5 बजे बसंत की बड़ी सवारी निकाली जाएगी। यह बड़ी सवारी गाजे बाजे के साथ पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर के बाजार में भ्रमण करेगी। मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कई झांकियां व कई बैंड शामिल किए गए हैं। सभी भक्त पधारे।